इंदौर जिले में जरूरतमंद किसानों को दिए जाने वाले पट्टों पर कलेक्टर ने बैठक ली। इसमें वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की गई। जिले में वन अधिकारियों द्वारा पट्टों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह के साथ डीएफओ और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें पुराने 2217 पट्टों की पुनः समीक्षा करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। यह भी कहा कि किसी भी जरूरतमंद का हक नहीं तोड़ा जाएगा। अधिकार पट्टों में बहुत सारे केसेस गलत तरीके से रिजेक्ट हुए हैं और उसी की समीक्षा पूरी हुई है। इसमें बीच में गवर्नमेंट ने भी वीसी ली थी और उसमें भी देखा गया था कि ऐसे साक्ष्य लिए गए जो साक्ष्य के माने के रूप में नहीं है। तो उसी के लिए पूरी ब्रीफिंग आज की थी। फॉरेस्ट की टीम भी आई थी, कंजर्वेटर साहब भी आए थे, हमारे SDM रेवेन्यू की टीम अमला था पूरा, और CEO जनपद भी थे। तो पूरा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तारतम्य में जो 2217 पहले कैंसिल हुए थे उसका फिर से हम लोग रिव्यू कर रहे हैं सभी केसेस का। तो जो भी पात्र केस आएंगे सभी का हम लोग पट्टा देंगे।